Welcome to Digital Adhyapak. X square y square plus 2 और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर ये comparable कई जैसा आ गया क्योंकि अगर इन दोनों को सम करेंगे और फिर इस comparable के साथ बराबर कर देंगे, ये भी मैट्रिक्स हमारा जो भी इसका हमारा 2 into 1 है और ये भी 2 into 1 है और ये भी 2 into 1 तो क्योंकि add होगा comparable हो सकता है। तो अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें कुछ नहीं है तो ये हो गया x square और y square और प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 6y और ये हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस 9। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x square प्लस 4x और ये हो जाएगा y square प्लस 6y और इज इक्वल टू 21 माइनस 9। अब आप देखो दोनों हमारे मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो कंपेयर करा देते हैं एलिमेंट के साथ। तो x square प्लस 4x इक्वल टू 21, x square प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू माइनस 9, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। बच्चों देखो यहां पर और यहां पर x और y के वैल्यूज मिलेंगे, फैक्टर चेक कर लेते हैं जो आप लोग को आता है। हमें क्या पता मिलेगा, 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 7 माइनस 3 x प्लस 7 इक्वल टू 0, सो x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू माइनस 7 x की वैल्यू 3। दूसरा y स्क्वायर, अब यहाँ 9 है तो यानी x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, y y प्लस 3 प्लस 3 y प्लस 3, तो y प्लस 3 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू माइनस 3। दो वैल्यूज आ गए तो हमारे पास x की वैल्यू 3, x के माइनस 7, y की वैल्यू माइनस 3।